कहानी संग्रह, हिंदी कहानी की मुख्य धारा में बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। इस बात के लिए आपको हिंदी कहानी की जो वर्तमान अवस्था है उस पर एक निगाह डालनी होगी। आप जब भी हिंदी कहानी की वर्तमान अवस्था को देखिएगा तो आम तौर पर क्या है कि शहर सबसे मजबूत उपस्थिति के रूप में दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लेखक गांवों से निकल करके शहरों में आते गए और किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ कि नव उदारवाद के आने के बाद से हमारे पास यथार्थ जो आता है ना वो मीडिएटेड होता है, माने वो मीडिया के जरिए आता है। तो हम गांव भी देखते हैं तो कहां देखते हैं, टेलीविजन में या फिल्म में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आदिवासी दिखाए जाते हैं तो सब जो है सुबह हुलाला लाला टाइप के जंगल आला। हाँ, तो मीडिएटेड यथार्थ है ना शहर में हम देखते हैं, और ये टेलीविजन के आने के बाद से आम तौर पर हुआ, समूचे बौद्धिक वर्ग में ये हुआ। राजनीति उतनी ही जितनी की प्राइम टाइम टेलीविजन पर चर्चा हो रही है, और यथार्थ उतना ही जितना कि वहां दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें क्या है कि हिंदी कहानी को के अनुभव जगत को बहुत ही सीमित कर दिया, बहुत ज्यादा सीमित कर दिया। अच्छा, अब अनुभव जगत जब सीमित हुआ तो उसको कंपनसेट कैसे किया जाए, तो उसके कंपनसेशन के लिए फिर कला, और उस कला में एक नकली किस्म का कहानीपन ये लाया गया। तो आधुनिक जो समकालीन हमारी हिंदी कहानी है उसका ये एक बहुत बड़ा, कह लीजिए कि जिसको आप कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट है, कि कहानीकारों का अनुभव जगत सीमित हुआ और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने शिल्प संबंधी ऐसे प्रयोग किए जिनको विदेशों से उन्होंने ग्रहण किया था। कहने का मतलब यह कि पाउलो कोहेलो, इजाबेला अलेंदे और इन सब के जरिए जो शिल्प संबंधी प्रयोग उन्होंने देखे, मार्केज, तो उनकी कॉपी की। अनुभव जगत सीमित है और उसको कंपनसेट करने के लिए ये ले आए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो पाठक है ना उस पाठक की संवेदना का विस्तार नहीं हो रहा है। मुक्तिबोध ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, साहित्य क्या है, हमारी संवेदना का विस्तार करता है। एक सेकंड, थोड़ा सा मतलब मुझे, हाँ भाई साहब कहीं मैं भाषण दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं बाद में करूं आपको। तो संवेदना का विस्तार, साहित्य क्या करता है, संवेदना का विस्तार करता है। माने हम जो दुनिया देखे नहीं है उस दुनिया की भी समस्याओं से संवेदित होते हैं। हम स्त्री नहीं है लेकिन स्त्री का कष्ट कहानीकार जब हमें सुनाता है तो हम उसके प्रति संवेदित होते हैं। यह हमारी संवेदना का विस्तार हुआ। हम मध्य वर्ग के हैं लेकिन निम्न वर्ग की अगर कोई कहानी कोई कहानीकार सुना रहा है तो हम, हमारी संवेदना का वो विस्तार होता है ना, जिसको आप कहिए एक्सपेंशन, एक्सटेंशन ऑफ सेंसिबिलिटी।
ये हमारा होता है। तो हुआ क्या कि जब इस तरह की कहानियां आने लगी तो हम तो मध्यवर्गीय हैं ही, जो कहानी में भी संसार दे रहे हैं वो देख रहे हैं वह भी मध्यवर्गीय है, तो हमारी संवेदना का कोई विस्तार नहीं हो रहा है। तो पाठक के बतौर हम किसी को पढ़ करके कुछ अर्जित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक घेराव, समकालीन हिंदी कहानी को जब आप देखिएगा तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का दिखाई पड़ेगा। इसको सही बात है कि कुछ लोगों ने तोड़ा भी है, लेकिन मुख्य धारा सचमुच शहरी वातावरण में मध्यवर्गीय समस्याओं के इर्द गिर्द यही रहा, और जिसमें जैसा मैंने कहा कि शिल्प के कुछ ऐसे प्रयोग जो कि विदेशी कथा साहित्य से लिए गए हैं, उसमें मैंने अगर ठीक कहा जाए कि एक तरह से बाहर जाते हुए शिव मूर्ति आपको दिखाई पड़ते हैं कि जिनके यहां एक ग्रामीण यथार्थ है ना आपको दिखाई पड़ता है। राजेंद्र की कहानियों की खूबी यह है कि उसमें वह जो यथार्थ है ना वो अपनी पूरी भयावहता के साथ उपस्थित है, और भाषा के मामले में मैं ये कहूंगा कि देखिए ऐसा है कि स्थानीयता की गंध देने के लिए भाषा का इस्तेमाल बहुत लोग करते आए हैं और ये एक रोमांटिक प्रवृत्ति रही है। रेणु जी ने इसको सबसे पहले शुरू किया, बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसलिए क्योंकि वास्तविक पात्र नहीं दिखाई पड़ते ना, ऐसा लगता है कि वहां केवल नाचते गाते लोग रहते हैं ना। इनकी कहानियों की जो राजस्थानी आई है भाषा, उसमें उस भाषा की खूबी यह है कि पहले तो सचमुच मतलब एक तरह का कह लीजिए कि डिस्कम्फर्ट ना, एक तरह की असुविधा जैसी मुझे महसूस होती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने इस बात को महसूस किया कि दूसरे किस्म की भाषा में वह भयावह यथार्थ आ ही नहीं सकता था। जैसे कहते हैं कि गालियां जाति सूचक जो दी जा रही हैं, अगर उनका उल्लेख न किया जाए तो उस अपमान का बोध पाठक को होगा ही नहीं। उसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए शिष्ट भाषा में, पाठक को कभी एहसास ही नहीं होगा कि इसमें कितनी हिंसा भरी हुई है। तो उसी तरह से यह जो भाषा है ना, उस भाषा की खूबी यह नहीं है केवल कि वो स्थानीय माहौल बनाती है, बल्कि यह कि जो कथ्य की भयावहता है, जो भयानक यथार्थ है ना, उसको उस भाषा के अतिरिक्त और किसी भाषा में व्यक्त करना ही संभव नहीं है। तो भाषा के मामले में तो ये बात मुझे एक मैंने राजेंद्र क्या, और मेरे विद्यार्थी हैं तो हो सकता है थोड़ा संकोच करें, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। और आज के तारीख में अगर आप पढ़ रहे हो कहानियां तो सचमुच आज के कहानियों की भाषा का जो मोह है उसको छोड़ करके एकदम से इस किस्म की नई किस्म की भाषा को ले आने का साहस बहुत मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप लिखते हैं तो कहने के लिए होता है कि हम केवल अपने अनुभव से लिखते हैं, एक्चुअली तो जो लिखा जा रहा है उसको पढ़ करके हम लिखते हैं, इसीलिए उस भाषा का बहुत गहरा दबाव होता है हम पर, इसीलिए प्रचलित भाषा की रूढ़ी को बहुत कम लोग तोड़ पाते हैं, भाषा की लीक को तोड़ना बहुत मुश्किल चीज होता है, क्योंकि वह आपको जैसे क्या बोलते हैं उसको, स्टीफन हॉकिंग की किताब थी ना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो उसके प्रकाशक ने कहा कि एक भी फॉर्मूला आपने लिखा है इस किताब में तो आपके 10,000 पाठक कम हो जाएंगे। तो
तो पूरी किताब में केवल एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह कि जब नए किस्म की भाषा आप लेकर के आते हैं तो पाठक खोने का खतरा होता है, उस खतरे को उठाते हुए आप आते हैं। तो वो खतरा इन्होंने उठाया है अपनी भाषा में, और उसका सकारात्मक पक्ष यही है उस भाषा के इस्तेमाल का कि जो यथार्थ है वो पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाता है। एक बात और मुझे कहनी थी इन कहानियों के सिलसिले में कि देखिए ये बहस बहुत पुरानी है और अनीता जी तो उसकी मतलब एक प्रमुख कह लीजिए कि मतलब किरदार भी है कि दलित साहित्य और दलित स्त्री तो मैं ठीक ठीक दलित स्त्री नहीं कहूंगा, स्त्री ना, इन कहानियों में स्त्री समुदाय और स्त्री समुदाय सचमुच श्रमशील स्त्री का समुदाय और स्त्री जीवन ऐसा है कि जिसमें जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो पुश टू द वॉल, उसकी पीठ दीवार से लगी हुई है, इसलिए वो अगर हमला न करे तो करे क्या, समर्पण करके तो उसका चल नहीं सकता ना, क्योंकि भाषा है, भावनाएं हैं, मनुष्य है। तो वह जो स्त्री है जूझती हुई लड़ती हुई और जो मैंने बाकायदे जिसके पास एजेंसी है, ऊपर से लगता है कि उसके पास कोई एजेंसी नहीं, यहां तक कि जो पागल बताई जा रही है उसके पास भी एजेंसी है। तो ये जो स्त्री है इन कहानियों में और इन कहानियों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है स्त्रियों की, और ऐसी स्त्रियों की जो मतलब बहुत ही मतलब कह लीजिए कि वैसे थोड़े है, आप देखिएगा गोदान किए होरी तो कहा जाता है, लेकिन जो धनिया में तेजस्विता है ना उसके लिए सचमुच मैंने एक वाक्य लिखा है, थोड़ा सा मतलब वो अजीब किस्म का आपको लगेगा, रामलीला शर्मा ने, कि धनिया की सरस्वती कुछ ज्यादा ही तेज है। तो ये है माने स्त्रियां, तो वो स्त्रियां जो हैं इनके यहां बहुत जबरदस्त रूप में मौजूद हैं, और जो माने पागलपन है ना उसके बारे में तो अब चले गए हमारे रतन भाई, वैसे जानते ही होंगे कि ये एक ऐसी अवस्था है जो समाज ने ही पैदा की है, एक व्यक्ति को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि वो पूरी तरह से बहिष्कृत हो गया है, एक अलग घर में है, परिवार के भीतर वो आ नहीं सकता है, और वह उसे मैंने क्या कहिएगा उसे चेतना बोध के विमर्श से बाहर कर दिया गया है। वो कहती है कि नहीं मैं बावरी नहीं हूं। तो ये और वहां से वो यथार्थ को देख रही है, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि आप गांव में, गांव है, और अंतिम रामलीला के बारे में भी थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं। अंतिम रामलीला भी बड़ी कहानी होने के बावजूद मुझे बहुत पसंद इसलिए है कि वो कैलेडोस्कोपिक जिसको कहते हैं ना माने एक तरह से बहुरंगी यथार्थ, वो कैलेडोस्कोप है। तो आप कहां से खड़ा होकर के देख रहे हैं, उदाहरण के लिए जब जमीन पर आप लेट करके देखते हैं ना तो सामने सब लोग ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, तो किस घर में रह करके आप गांव को देख रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है, एंगल किधर से। तो मुझे यह लगता है कि इनके यहां
जो स्त्री का एंगल है वह है जो पूरे यथार्थ को, और स्त्री के बारे में बहुत पहले से सब लोग जानते हैं कि बाकी सारे उत्पीड़न तंत्र की वो शिकार है, माने जाति संबंधी, और ऐसे तो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में नस्ल नहीं है लेकिन काले रंग के संबंध में एकदम से नस्ली भेदभाव है। और एक दक्षिण अफ्रीका की लड़की थी, जेएनयू में पढ़ी थी, तो उसने कहा कि चूंकि मैं हिंदुस्तानी थी और उस तरह से मैं ब्लैक दिखती नहीं थी, तो बाकी जो स्टूडेंट हैं वो ये समझते थे कि मैं भारतीय ही हूं। अफ्रीकन थी लेकिन ब्लैक नहीं थी, तो इसलिए लोग उसको हिंदुस्तानी मानते थे। तो उसने कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि भारत में भयंकर नस्लवाद है रंग के इर्द गिर्द। तो कहने का मतलब यह कि वर्ण, रंग माने जाति और रंग और लिंग, इन तीनों ही मामलों में उत्पीड़न के सबसे अंतिम सिरे पर वह जो बैठी हुई स्त्री है उसकी निगाह से पूरे समाज को इन्होंने देखा है, और इसलिए वह यथार्थ माने पढ़ने में लगता है कि बहुत कड़वा है, और यह सच बात है क्योंकि वह है कड़वा। जैसे अगर किसी स्त्री की निगाह से अगर आप रेल यात्रा को देखिए, पुरुष की निगाह से देखिएगा तो दूसरी बात होगी, लेकिन स्त्री की निगाह से देखिए तो उसके टॉयलेट्स आपको बहुत भयंकर दिखाई पड़ेंगे आपको, उसका अपना शरीर जिस तरह से एक एक तरह का माने ऑड माना जाता है ना, लोगों की निगाहों में वो दिखाई पड़ता है, तो इसलिए उसकी निगाह से जो एकदम से ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न के अंतिम सिरे पर मौजूद है, सभी तरह के उत्पीड़नों की शिकार, उसकी निगाह से सारी कहानियों में ये है। और तो इसके नाते, और विद्यार्थी रहे हैं ऐसा मैं भूल जाना चाहता हूं, फिर भी उनका दावा है कि रहे हैं, तो इन दोनों ही वजहों से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और संजीव ने जो छापा है वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, संजीव भी हमारे विद्यार्थी ही रहे हैं, कलमकार ने छापा। अच्छा, तो कलमकार ने छापा है, शिकायत जरूर है कि इन्होंने मुझसे क्यों नहीं बात की छापा। तो खैर, तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत ही बेहतरीन संग्रह है, और इस नाते से मुझे ये लगता है कि हिंदी कहानी की जो दुनिया है उसमें बहुत ही गंभीर रचनात्मक हस्तक्षेप इस संग्रह के जरिए राजन सजल ने किया है, और इन कहानियों में एक औपन्यासिकता है, सिर्फ इस अर्थ में नहीं कि एक कहानी 58 पेज की है, या सिर्फ इस कारण से भी नहीं कि दो कहानियां ऐसी हैं जो एक कहानी का ही एक्सटेंशन है, बल्कि इस कारण से कि सारी कहानियां उस एक जगह को ही खोलती हैं जिसको मैंने कहा स्त्री का मन, उस एक चीज को ही सारी कहानियां खोलती हैं, और वो बहुत ही जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए कि क्या है कि आपका मन क्या है, वो जो बाहरी यथार्थ है उससे कम गहरा नहीं है, बहुत गहरी चीज है आपका मन, आपकी भाषा बनाता है वो। तो यह अनेक अनुभवों से जो बना हुआ हमारा मन है उसमें यह प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, और इस अर्थ में यथार्थ सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी जो यथार्थ है उसकी भी बहुत गहरी पड़ताल, और सचमुच माने स्पृहणीय ईर्ष्याजनक ढंग से यथार्थ को इन्होंने देखा है। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया।